जी हाँ, आपको बता दें कि मुंबई ड्रग्स केस में फंसे बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जमानत याचिका के जवाब में दावा करते हुए कहा कि इस केस की जांच के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है और ये जाँच को पटरी से उतारने की भी कोशिश कर रहे हैं। एनसीबी के मुताबिक 23 अक्टूबर 2021 को प्रभाकर आर शैल ने जो कथित हलफनामा दाखिल किया है उससे ये भी बात साफ हो गई है कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है और एनसीबी का कहना है कि सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष मामला विचाराधीन होने से पहले किसी भी अदालत के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज क्यों नहीं दायर किया गया। मजे की बात यह है कि इस हलफनामे को गुप्त रूप से दाखिल किया गया है और फिर मीडिया में व्यापक से इस प्रकाशन और प्रसारण किया गया है जबकि मामला कोर्ट में है। इस कथित हलफनामे में आवेदक आर्यन से जुड़े प्रबंधक पूजा ददलानी का नाम साफ तौर पर शामिल है। ऐसा लगता है कि जांच के दौरान पूजा ददलानी ने पंच गवाह को प्रभावित किया है। जांच के स्तर पर इस तरह का दखल एक साजिश भरी कोशिश है ताकि इस केस की जांच पटरी से उतर जाए और सच्चाई जाहिर ना हो पाए। इस तरह के तथ्य सामने आए हैं जिनसे पता चला है कि प्रतिवादी यानी एनसीबी के एनडीपीएस कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से इस मामले की जांच प्रभावित हो रही है और जांच को पटरी से उतारने और एजेंसी को बदनाम करने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही एनसीबी ने रिया केस का भी जिक्र किया है। एनसीबी की ओर से दाखिल किए गए जवाब में समीर वानखेड़े के उस हलफनामे का भी जिक्र है जो सत्र अदालत दिया गया है। सत्र अदालत ने अपने आदेश में फाइल की गई याचिकाओं को फाइल पर लेते हुए और आवेदन को निपटारा करते हुए कहते हुए दर्ज किया है कि चूंकि मामला CR 94/2021 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है इसीलिए संबंधित अदालत ही इस मामले पर उचित आदेश पारित कर सकती है। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।